And these are the true stars that support the cause all the time. I've had Madhu year after year. Thank you very much. I call it building my tribe, where you give back in your way to society. Like I always say, we are blessed by everything we have, and it is this space that we can come together and make a difference in children's life. Thank you, Madhu. Thank you, Charles. And I hope you're joining my tribe. Yeah, absolutely. I call it joining my tribe. Absolutely. Thank you, Farhana. Thank you, Farhana, for organizing this fantastic program. I love your enthusiasm and your spirit. And thank you for including me year after year, because sometimes I feel that I get complacent sitting at home, my children, my life, and people like you, when you organize such an event and include me, it makes me feel that I'm doing something important. And thank you for making me a part of this wonderful evening. And celebrate life is what it is. It's beautiful. I am a part of your tribe. Terence is joining the tribe now. Our tribe. बस यही कहूँगा कि कल बाल दिवस है, चिल्ड्रंस डे, और इस शुभ अवसर पे व्हाट कैन बी मोर बेटर देन यू नो अ फंड रेजर, जहाँ पर जो भी पैसे यू नो ऑक्शन से मिलते हैं वो उन गरीब बच्चों के लिए जाते हैं, जहाँ पे उनकी जो व्यवस्था है वो अच्छी हो सके, बी इट एजुकेशन, बी की गेटिंग अ फैमिली, अडॉप्शन के इश्यूज़ होते हैं. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, और मेरा योगदान कुछ नहीं था, बस ऊपर से चलना था. कपड़े भी किसी और ने दिए हैं, अर्जुन खन्ना ने दिए हैं. तो आई थिंक ऑल ऑफ अस हियर वी आर वेरी फॉर्चुनेट, हमें बहुत कुछ मिला है और बहुत कुछ लोगों को मिला नहीं है, और अगर हम थोड़ा योगदान कर दें तो बहुत एक बहुत छोटी बात है. आई थिंक हमने बहुत बहुत छोटा सा काम किया है. एक्चुअल काम वो सोशल वर्कर्स हैं जो एक्चुअली इन बच्चों को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं और उनको आगे एक मौका देते हैं. सो आई फील कि मेरा योगदान बहुत छोटा रहा है, बट आई एम वेरी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस. थैंक यू फॉर मेकिंग मी अ पार्ट ऑफ दिस, एंड आई एम गोइंग डेफिनेटली कम ईयर आफ्टर ईयर, यू नो, सपोर्ट दिस. थैंक यू सो मच. ये सारी चीजें मैं भी कहना चाह रही थी, इन्होंने कह दिया, सो आई सेकंड सबसे बहुत ज्यादा साड़ी में है, और वो भी बहुत अजली लगता है जब आप साड़ी एक हाथ से जब पकड़ के चलते हो. लेकिन मैं सोच बट यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल. शुड आई फॉल और शुड आई होल्ड, शुड आई डांस और शुड आई डू व्हाट? बस मैंने ये जो सीढ़ियां विदाउट फॉलिंग आई मैनेज, एंड दैट वाज माय बिगेस्ट अचीवमेंट. तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा कि मैंने ये मैनेज कर लिया, और बहुत अच्छा लगा. आपको डांस भी करना है? अभी क्या करें, वो अपने जहन में है तो वो थोड़ा बहुत निकल जाता है. और क्योंकि वो वैसा वाला फैशन शो नहीं है जहाँ पे आपको बहुत सीधा फेस रख के एकदम स्टर्न लुक और एकदम गुरूर के साथ ऐसा एटीट्यूड देना है, बस आपको थोड़ा इन्जॉय करना है. सो आई वॉज इन्जॉइंग माई सेल्फ. इट वॉज अ वेरी नाइस फैमिली काइंड ऑफ अ शो, एंड इट वॉज ऑल अबाउट सेलिब्रेटिंग लाइफ. खुश रहो यार. They work a lot with kids. Exactly. मैं जानता हूँ कुछ लोगों को जिन्होंने इस संस्था के साथ जुड़कर उन्होंने यू नो बहुत सारे बच्चों को अडॉप्ट किया है. आई नो टू पीपल लाइक दैट. और देखिए बच्चे जो अनाथ होते हैं तो उनको एक फैमिली चला जाता है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फैमिली स्ट्रक्चर, क्योंकि वो हम सब जानते हैं कैमरा के जो पीछे है, कैमरा के जो आगे है, फैमिली की क्या अहमियत है. And I think it's so important to have a family. And the foundation of CSA work करता है ताकि सही adoption मिले, सही families मिले. अगर 18 साल के बाद भी अगर उनको adoption नहीं मिलती है, then they kind of help them in their work, कारीगरी में इनकी व्यवस्था वो भी करते हैं. तो आई थिंक इट्स अ वेरी सब लोग अपने अपने हम सब अपने लिए जीते हैं, लेकिन कुछ टाइम के लिए किसी और के लिए जीना ये बहुत बड़ी बात है. सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी. आई वांट टू ऐड समथिंग हियर. सो वेरी मेनी टाइम्स वी टेक इट फॉर ग्रांटेड बिकॉज वी हैव दीज अमेजिंग फैमिलीज, वी हैव एवरीथिंग दैट इज सिटिंग राइट विद अस, बट देर आर सो मेनी चिल्ड्रन दैट डू नॉट हैव दैट ग्रेट स्टार्ट, जिनके पास कुछ नहीं है, कभी एक वन मील नहीं है, हग नहीं है, प्यार नहीं है. So when people do the adoption, most of them are adoptive parents of CSA. I've been in the cause for 7 years on different capacity. Celebrate Life has happened for many years, and it shall happen for many, many years. We need all the support of all of you and people like Madhu and Terence. Cheers to you always. Iska Hindi anuvad maine kar liya hai, to chhap de. Kiski? Oh, okay. I know she's very ill, and I wish her all the best. Ke Lata ji is a gem of our country. Wo hamari, I don't know what to say. So I'm sure she'll be all right soon. She's a fighter, and she'll fight it. And may God bless her, and may she have a long, long, long life. Yeah.
Yeah. I would say लता जी को का नाम लेते हैं हम कान पकड़ते हैं because वो गुरु जी की तरह ही है. She has lived a very beautiful life, an inspirational life, और इतना त्याग किया है अपने कला के लिए. So I think she's a role model for all those who are artists. चाहे हम अलग field में रहें, dance या music. At the end of the day, it is an artist's journey. और जो journey उन्होंने किया है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत you know, very inspirational hai. And of course, health hai. Health issues to honi hai because, you know, it's the age. But here we are wishing you all the very best, Lata ji. So please get well soon and may the force be with you. Chala. Thank you so much.